बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ लातल्की कि मेरा असगर जाट से कोई ताल्लुक नहीं है। गलती से मैंने उसको कैंडिडेट बनाया था पहले एमएनए का 2010 में, जिसके बाद एक महीने के बाद मैंने उसको करप्शन पे अपने दफ्तर से निकाल दिया था। मेरा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। अभी उसने अपनी मर्जी से कागज़ जमा कराए हैं और उसने पूरी कोशिश करता रहा, कभी किधर कि पीटीआई का टिकट उसको मिले, लेकिन उसका आईक्यू लेवल ही नहीं है और वो करप्ट आदमी है। और उसके बाद जब उसको टिकट नहीं मिला तो उसने जाके अपना पीपल पार्टी का टिकट ले लिया इस लालच में कि वो किसी ने उसको बताया कि पहले 1-1 करोड़ रुपया मिला था, चलो 1-1 करोड़ ही मिल जाएगा उसको, तो 10 वोट नहीं 100 वोट नहीं मिलना। उसके अलावा उसने कोशिश की कि जी मेरे दोस्तों को कहे कि जी मैं फलां के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हम लड़ते हैं। वो कौन सा लड़ने वाला है, उसके पास तो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। और वो उसकी कोशिश ये की थी कि किसी तरीके से मैं पीपल पार्टी से पैसे ले लूँ, पता हर तो जाना ही है ना, उसको तो किसी ने वोट देने हैं। कुछ मेरे दोस्तों ने कहा, मुझे फ़ोन किया, जी हमें फ़ोन कर रहा है, तो मैंने सबको बताया कि इसको कोई वोट ना दे, मेरा इसके साथ तल्लक नहीं है, ना इसको कोई पेट्रोल लेके दे, ना गाड़ी दे, ना इसको कोई आधार पैसे दे, और सबको मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हूँ, मैं प्रेस क्लब गया हूँ, उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कह के कि हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी पॉलिसी पे ही हमने काम करना है। ये नहीं हो सकता कि आप पार्टी में भी रहें और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी जाएं, मैं ये सोच भी नहीं सकता। और 1-2 दिन में 4 दिन में वो ठंडा होकर बैठ जाएगा। सब लोगों जिसको भी उसने टेलीफोन किया है सब ने उसको रिफ्यूज़ किया कि हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और चौधरी साहब ने हमें बता दिया है कि इसको वोट नहीं देने हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा था जो बात, तो वो क्लियर है, कोई भी इसको वोट ना दे, मेरा नाम ना इस्तेमाल करे और ना ही इसको कोई आधार दे, ना ही इसको कोई वोट दे। जितने भी 100, 200, 400 इसको वोट पड़ते हैं, कोई पीपल पार्टी का होगा तो डाल देगा, अदरवाइज मेरा कोई वोटर या पीटीआई का वोटर इसको वोट नहीं डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।